Hey Yashu, happy 16th! Thank you Rohan. अच्छा हम लोग आज मिल रहे हैं ना? मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है. या मैंने मॉम को ऑलरेडी बोल दिया है. ओके, but what about your promise? इस बारे में मिलकर बात करें, प्लीज. ओके, but I can't wait to have my first kiss with you. सुनिए, हमारा बच्चा जवान हो गया. आई थिंक इट्स टाइम टू हैव द टॉक विद हिम. मतलब एक्चुअली कल रात को ना वो फोन पे अपनी फर्स्ट किस के बारे में बात कर रहा था. व्हाट, ही इज जस्ट 17, अभी से ये फर्स्ट किस एंड ऑल. या ही 17. कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना कि हमारे बच्चे जब इस फेज से गुजरते हैं तो हम अपनी हिस्ट्री भूल जाते हैं. राइट, आपको याद नहीं है आपने मुझे 17 पे प्रपोज किया था? यस, यू आर राइट. इसीलिए ज़रूरी है कि हम उससे इसी वक्त बात करें. अच्छा मुझे एक बात बताओ, अपने ऑफिशियल ट्रिप से आप जल्दी आ सकते हैं? यार मुझे आना है बट कल ही मैं यहाँ पे आया हूँ. दैट्स आल्सो राइट. अच्छा देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ. ठीक है, चलो बाय. ठीक है. सुना है आज यशविनी का 16th बर्थडे है. ने सुना है या ईवड्रॉप किया है? जब बच्चे अपने आप बताते नहीं है ना तो माँ बाप को थोड़ा बहुत स्नूप अराउंड तो करना ही पड़ता है ना इन्फो के लिए. ये ले, जासूस बनना पड़ेगा. या दैट्स राइट. क्या समझ ही नहीं आता, आपसे लड़ूं या आप पे हंसूं? ना ही आपकी तरह कोई कूल मॉम है, ना ही आपकी तरह बियर्ड. एक्सक्यूज, अच्छा एक काम क्यों नहीं करता तू? तू नो उसको यहाँ पे बुला ले, उसका सरप्राइज घर पे ही दे दे उसको. सी, हियर कम्स द वियर्ड मॉम. एक्सक्यूज मी, आई थॉट दिस वाज द कूल मॉम बिट. मॉम प्लीज, एक तो मैं बाकी लड़कों की तरह आपसे झूठ बोल कर नहीं जा रहा हूँ, इतने में आप खुश नहीं रह सकते? एक्चुअली इस डिपार्टमेंट में तू बहुत कूल है. वैसे प्लान क्या है, वो कैफे में कॉफी पिलाने ले जा रहा है? इट्स अ 16th बर्थडे, इट शुड बी स्पेशल. एक सेकेंड, पार्क में तो नहीं लेके जा रहा ना मॉम? क्या, एक सेकेंड, एक्चुअली मैं कैफे का ही प्लान है. यू आर राइट, स्पेशली नहीं होगा. आप यहाँ हो थोड़ा अजीब नहीं हो जाएगा? मैं कहाँ हूँ? I'll be invisible, I'll disappear. I promise you, मैं बिल्कुल बॉदर नहीं करूँ. पक्का? पक्का. Promise. Pinky swear. कितनी कूल बनोगी. अच्छा लेट मी कॉल हर. यस, मेरा फोन, एक सेकंड में उसे कॉल करके आता. अच्छा से खींच के लगा. यस मां. और ऊपर खींच, ऊपर खींच. नाइस ना? नाइस नाइस. हां ऐसे घुमाना. एक सेकंड, एक सेकंड, तू एक सेकंड छोड़. अरे बहन, अच्छा लग रहा है. आप ना मम्मा सच में बड़े कूल हो. सत्य वचन पुत्र. अब जल्दी जाकर तैयार हो. ये कौन? जा गो. यस. हैप्पी बर्थडे यशविनी. थैंक यू. आओ ना. हाय बेटा, हैप्पी बर्थडे. थैंक यू आंटी. गॉड ब्लेस यू. कम आओ बैठो. अच्छा मुझे जल्दी से बताओ कि तुम कोल्ड कॉफी पियोगी, पीच आइस टी? मॉम हाँ मैं दे दूंगा ना यशविनी को जो भी चाहिए होगा उसे. मैं दे दूंगा. आई एम योर ना. ओके ओके. थैंक यू मॉम.
या ओके थैंक यू अब मैं यहाँ हाँ हाँ ओके ओके बाय मॉम बाय ओके क्या किया तुमने मम्मा ओह मैं ये बोल रही थी कि मैं केक ले आऊं क्या मम्मा केक चाहिए होगा तो मैं खुद से जाके ले आऊंगा हाँ मुझे भी पता है ना फ्रिज कहाँ है हाँ यहाँ राइट कुछ चाहिए तो नहीं ना बेटा नहीं आंटी कुछ नहीं चाहिए ठीक है फिर बाय मैं यहाँ हूँ हाँ ओके बाय बाय मॉम तो कह रही थी कि मैं तुमसे पूछ लूं कि तुम्हें क्या चाहिए आई नो यू लव प्लांट्स थैंक यू अरे केक और केक लोगी नहीं बस थैंक यू डोंट बी सैड वो आई एम नॉट रेडी फॉर इट मैं अभी किस नहीं करना चाहती मुझे चलना चाहिए घर पे सब वेट कर रहे होंगे क्या हुआ रोहन नथिंग ओह गॉड ड्रामा अलर्ट कभी कभी सोचती हूँ भगवान ये इतनी जल्दी बड़े क्यों हो जाते हैं और कभी कभी कहती हूँ भगवान जी प्लीज ये टीनेज इयर्स जल्दी से निकलवा दो मन नहीं है क्या हुआ नथिंग broke up. Oh. क्या? ऐसा क्या हो गया? फोन बज रहा है बेटा रोहन रोहन मेरी बात सुन रोहन लिसन टू मी रोहन लीव मी अलोन सुन वो तो नहीं हो पाएगा हाँ तो फिर खड़े रहो रूम के सामने ऐसे हाँ ब्रो यू आर राइट आई हैव डिसाइडेड अगर उसे किस नहीं करना तो मुझे नहीं रहना उसके साथ औ, औ, औ। फोन बंद कर चल बात करनी है जस्ट कम ओके चल बैठ मॉम यहां मैं सोच रही हूं कि तुझे बायोलॉजी चैप्टर 13 के बारे में पढ़ो लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुझे जरूरत है टू बी एजुकेटेड ऑन द सब्जेक्ट ऑफ कंसेंट 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 व्हाट इज कंसेंट कंसेंट मतलब टू टेक परमिशन एग्जैक्टली हर रिलेशनशिप में कंसेंट का होना सबसे जरूरी चीज है चाहे वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो
या फिर कल को तुम्हारी होने वाली बीवी, तुम उनकी मर्जी के बगैर उनके साथ ना तो जबरदस्ती कर सकते हो और ना ही उन पर प्रेशर बना सकते हो। मॉम, उसने भले पहले हाँ की हो या फिर उसने किस करने का वादा भी किया, लेकिन अगर आज उसका मन नहीं है, then any person has every right to say no. पूछो, take permission. सादा ही confusing नहीं हो रहा है मॉम? No mom, आप मेरा फोन मेरी परमिशन के बिना यूज नहीं कर सकते। Really? मैं तुम्हारा फोन तुम्हारी परमिशन के बिना यूज नहीं कर सकती, लेकिन तुम एक लड़की को उसकी परमिशन के बिना किस कर सकते हो? शकल बता रही है, बात समझ आ गई। एक बात गांठ बांध कर रख ले, लड़की भले कितनी ही ड्रंक क्यों ना, उसने मिनी स्कर्ट क्यों ना पहने, या फिर वो खुद अपनी मर्जी से चलकर तुम्हारे कमरे में आए, या फिर कल को वो तेरे होने वाली बच्चों की माँ, किसी भी सिनेरियो में उनकी परमिशन के बगैर तुम उन्हें टच नहीं कर सकते। कंसेंट इज अ मस्ट। ओके, आई एम सॉरी मॉम, यू आर राइट, यू आर अ कूल मॉम। फोन कर दे उसे, यशु को फोन कर। हाय यशु, आई एम सो सॉरी, मैंने काफी स्टूपिड तरीके से रिएक्ट किया। जब तक तुम रेडी नहीं होगी तब तक हम उम्मीद करते हैं कि इस फिल्म को देखने के बाद आपको कंसेंट का रियल मीनिंग समझ में आ गया होगा। मुझे तो समझ आ गया, और इसी बात पे हम आपको कंसेंट देते हैं टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। करो यार, प्लीज 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 करो यार, प्लीज प्लीज प्लीज, बस कर जाओ, कितनी कूल बनोगी। कर दो।